Good day, dear students. I'm Amir Fiz Malik. My topic today would be reading skill, and I'll be focusing more on one of the rapid reading techniques, which is called scanning. First of all, I would like to discuss the outline of my lecture. Number one, I would be talking about reading skill and the concept of scanning. Number two, I'll be talking about why scanning. Number three, I would be talking about definition of scanning. Number four, I would be talking about how to scan a text. And number five, I would be concluding my lecture, and I'll also be discussing some of the university exam questions with you. So let's start our topic. Reading is the key to learning. We all know that learning is dependent on language skills, and reading is one of them. Reading is a purposeful activity. So we all know that there is always a purpose behind reading. Reading is done with a variety of purposes, such as for information, for academic purposes, and for pleasure, etc. So I have highlighted three major points of reading skill over here. Number one, it is done for information's sake. So when you need some information, you read a text or you read a book. Number two, for academic purpose. Yes, for our educational purposes, we need to read. And finally, for pleasure, when we have free time, we read books. Readers, especially the students, always aim and wish to save time and get more from reading. This is very important that from students' point of view, they have limited time. So they spend more time in reading. But what actually reading for them should do is that they should save time and get more from reading in a limited time. Rapid reading techniques like scanning serve with purpose effectively. So if your purpose is to save time, that means read more in a limited time, you can use one of the rapid reading techniques called scanning. तो इस पैराग्राफ में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि रीडिंग है क्या। तो रीडिंग एक बामकसद एक्टिविटी है, सरगर्मी है, जो आपको मौका देती है कि आप जब कभी मालूमात हासिल करना चाहते हैं, या अपने तालीमी मकासद के लिए रीडिंग करना चाहते हैं, या अपने फारिग वक्त में लुत्फ लेने के लिए रीडिंग करना चाहते हैं, तो आपका मकसद ये होता है कि आप किसी खास मकसद को लेकर रीडिंग कर रहे होते हैं। खास तौर पर तालिब इल्म होने के नाते आपका मकसद और आपकी ख्वाहिश यही होती है कि कम वक्त में ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए रीडिंग से। इसके लिए जो रैपिड रीडिंग टेक्निक्स हैं, वो आपके इस मकसद को हासिल करने में बहुत ही मौसर साबित होती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैनिंग फर्स्ट। स्कैनिंग इज अ स्पेसिफिक रैपिड रीडिंग टेक्निक फॉर फाइंडिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। सो यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द कॉन्सेप्ट। जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा कि स्कैनिंग है क्या, सो आपको इसे अप्लाई करने में बहुत मुश्किलात पेश आएंगी। तो मैंने बहुत ब्रीफली आपको बताया है, स्कैनिंग इज अ स्पेसिफिक रैपिड रीडिंग टेक्निक फॉर फाइंडिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो ये एक मखसूस रैपिड रीडिंग यानी तेजी से पढ़ने का, तेजी से मुताले करने का तरीका है, जिसका मकसद क्या होता है कि आपने कोई मखसूस मालूमात किसी दी गई टेक्स्ट में से ढूंढनी होती हैं, तो वक्त को बचाने के लिए और जल्दी से अपनी मालूमात हासिल करने के लिए आप स्कैनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो व्हाई टू यूज़ स्कैनिंग? इट एनेबल्स द रीडर टू फाइंड क्विक आंसर्स टू द क्वेश्चन। सो वी यूज़ स्कैनिंग व्हेन वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम एंड वी वॉन्ट टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन। तो जब हमें मुख्तसर वक्त में सवालात के जवाब ढूंढने हों, तो ऐसे में स्कैनिंग हमारी मदद कर सकती है। वी स्कैन थ्रू द टेक्स्ट टू लोकेट स्पेसिफिक डिटेल्स। स्कैनिंग इज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट स्किल एज वी लर्न टू लोकेट इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड द आंसर्स टू द क्वेश्चंस एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बेटर। सो स्कैनिंग के हमें दो फायदे हासिल हो जाते हैं। एक तो हमें टेक्स्ट में जो सवालात के जवाब देना होते हैं उसमें हमारी मदद हो जाती है, और दूसरा ये कि हमें टेक्स्ट को समझने में भी स्कैनिंग बहुत ज़्यादा मदद कर देती है। आई होप यू वुड हैव गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैनिंग, दैट इट डील्स विद स्पेसिफिक डिटेल्स, नॉट द होल टेक्स्ट। लेट्स डिफाइन स्कैनिंग एंड गो विद व्हाट इज स्कैनिंग। स्कैनिंग इज अ रीडिंग टेक्निक टू बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्विकली। सो दो काम आप कर रहे होते हैं स्कैनिंग करते हुए। एक तो आप इसे एक टेक्निक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, किस लिए? टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, किसी खास मालूमात को ढूंढने के लिए।
and quickly or bahut jaldi se. In scanning, you have a question in your mind and you read a passage only to find the answer, ignoring unrelated information. So jab aap scanning ko use karte hain, आप अपने जहन में एक ख़ास सवाल को रखते हैं और उसका जवाब ढूंढते हैं उस पैसेज में से, सिर्फ उस मुताले का हिस्से में जिसमें आपको गुमान होता है, ख्याल होता है कि इसका जवाब हो सकता है, और आप इग्नोर कर देते हैं किसी भी गैर मुताले का मालूमात को. लेट्स गो विद द एग्जांपल्स ऑफ स्कैनिंग. और अब हम देखते हैं कि मिसाल क्या हो सकती है. अ गूगल सर्च लिस्ट ऑन द इंटरनेट. जब आप गूगल पर सर्च करते हैं तो आपने यकीनन मखसूस अल्फाज को इस्तेमाल करना होता है और यूं बड़ी जल्दी से आप अपनी मतलूबा मालूमात को तलाश कर लेते हैं. अब बस और एयरप्लेन स्केड्यूल. जी हाँ, जब भी आप सफ़र करना चाहें बस के ज़रिए या एरोप्लेन के ज़रिए, तो आप देखते हैं कि स्केड्यूल जो होते हैं उनसे आप फ़ायदा उठाते हैं स्कैनिंग में. अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप डिपार्चर का स्केड्यूल पढ़ते हैं. अगर आप किसी को लेने के लिए आए हुए हैं तो आप फिर बस में उन स्केड्यूल्स में आप उनकी आमद का यानी अराइवल का देखते हैं. अगर आप गौर करें तो इस स्लाइड में राइट हैंड पर मैंने एक पिक्चर दी है जिसमें मैंने होप के वर्ड को जो है वो एनसर्कल किया हुआ है. इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि पूरी टेक्स्ट में से हमने सिर्फ होप का लफ्ज़ ढूंढना था, इसलिए बाकी मादा टेक्स्ट को हमने इग्नोर कर दिया और हमने सिर्फ लफ्ज़ होप पर कंसंट्रेट किया है. स्कैनिंग रैपिडली कवर्स अ ग्रेट डील ऑफ मटीरियल इन ऑर्डर टू लोकेट अ स्पेसिफिक फैक्ट और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. सो स्कैनिंग रैपिडली कवर्स, बड़ी जल्दी से कवर करती है अ ग्रेट डील ऑफ मटीरियल, एक लेंथी मटीरियल को, टेक्स्ट को, ताकि आप बहुत जल्दी अपना खास मखसूस जो मालूमात आपको चाहिए उन्हें आप लोकेट कर सकें, उन्हें आप जान सकें और उन्हें आप निशानदही कर सकें. स्कैनिंग इज़ वेरी यूजफुल फॉर फाइंडिंग अ स्पेसिफिक नेम, डेट, स्टैटिस्टिक और फैक्ट विदाउट रीडिंग द एंटायर आर्टिकल. सो इट हेल्प्स यू टू फाइंड वन इंफॉर्मेशन. लाइक आई हैव कोटेड वन फॉर एग्जाम्पल, यू आर लुकिंग फॉर द नेम, सो यू डोंट हैव टू गो फॉर एनीथिंग एल्स. If you're looking for some date, yes, you don't have to go for anything else. If you're finding a figure, naturally you don't have to look for any name or anything else. Or fact, if you're looking for fact, so you have to ignore other thing without reading the entire article. This is very important. That's why we call that scanning is a time saving. तो स्कैनिंग क्या करती है, आपको पूरी टेक्स्ट पढ़ने से बचाती है और सिर्फ मखसूस मालूमात तक ले जाती है. आप नाम तलाश करना चाहते हैं, आप कोई तारीख तलाश करना चाहते हैं, आप कोई फिगर तलाश करना चाहते हैं या किसी हकीकत को तलाश करना चाहते हैं, तो ऐसे में सिर्फ स्कैनिंग ही है जो आपकी मदद कर सकती है. अवर नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू स्कैन अ टेक्स्ट. हम किस तरीके से स्कैनिंग को टेक्स्ट के में इस्तेमाल कर सकते हैं. सो हेयर आर द टिप्स विच आई विल बी शेयरिंग विद यू. नंबर वन, read only keywords. You don't have to go with all the words, you have to go for keywords, and I know that you know keywords are the most important word. Number two, bold words. Yes, in typing text there are bold words, so you can easily locate them and you can scan a text with bold words only. Three, italic words. Yes, there are words which are italicized in the text, so they indicate some important point and you can rapidly go through the italic words and find the relevant information. Answers related to words. So yes, there are certain words which are related to your answer, so you can quickly locate those words and phrases and you can find out the specific information. So number five is numbers and figures. So to scan, look forward for keywords related to your topic. Jo aapke topic se related alfaz ho, sirf unko dekhe. Look forward for bold print and italics, aur wo alfaz jo bold ho ya italics mein ho unko gaur se dekhe. Look forward for words in larger font size, aur ya aam font size se jo bade size ke alfaz ho unhe gaur se dekhiye. Don't forget to apply these techniques for scanning. Jab aap scanning kar rahe ho to in techniques ko aapne zehen mein rakhna hai aur apna time bachana hai aur zyada se zyada aapne mutalaya karna hai. So finally, I'll be dealing with the conclusion. Scanning is a quick reading to find the specific information. So I have talked about two things in scanning. Number one, it's a quick reading. Quick reading means time-saving reading. Your speed is faster. You're reading at a good pace to find specific information and your target is specific information. So is reading में जब हम स्कैनिंग अप्लाई करते हैं तो हमें दो फायदे हासिल हो रहे होते हैं. पहला, हम क्विक रीडिंग कर रहे होते हैं, हम जल्दी से तेज़ रफ्तारी से मुतालिया कर रहे होते हैं, और हमारा मकसद जो है वो नंबर टू,
फाइंड द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कोई खास या मखसूस मालूमात हासिल करना होता है। मूविंग आईज क्विकली डाउन द पैसेज सीकिंग स्पेसिफिक वर्ड्स एंड फ्रेजेस, आप जल्दी से अपनी नज़रों को उस टेक्स्ट में ऊपर से नीचे की तरफ लाते हैं और आप मखसूस अल्फाज और फ्रेजेस को ढूंढना शुरू कर देते हैं और बाकी टेक्स्ट को आप इग्नोर कर देते हैं। When scanning, do not read every word, but only the word that answers your question. बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आपने जहन में रखनी है कि अगर आप स्कैनिंग को सक्सेसफुली अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने डू नॉट रीड एवरी वर्ड, एक एक लफ्ज टेक्स्ट का नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी, हरगिज भी नहीं, यानी आपने मुकम्मल टेक्स्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बट ओनली द वर्ड दैट आंसर योर क्वेश्चन, लेकिन सिर्फ उन्हीं अल्फाज पर फोकस करना है और तवज्जो रखनी है जो कि आपके सवाल के मुतालिक हैं और उनका जवाब आपको उन अल्फाज की मदद से मिल सकता है, तो सिर्फ उन अल्फाज पर आपने फोकस करना है। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम क्वेश्चंस। दीज आर सम ऑफ द पॉसिबल बीजेड यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। नंबर वन इज व्हाट इज स्कैनिंग, सो यू आर सपोज टू डिफाइन स्कैनिंग, दिस कैन बी अ शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई टू स्कैन, यू कैन बी आस्क द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कैनिंग, हाउ एंड व्हाई इट इज अ रैपिड रीडिंग टेक्निक। When to scan? When do you need to scan? This can be question number 3 in your exam. Question number 4, how to scan? You can be asked to apply scanning. Question number 5, using scanning for text reading. Yes, you can be given a text and then a task to apply scanning to that so that they can judge whether you are skillful in scanning or not. Finally, to give you the comprehensive idea of scanning, I have designed some of the activities which I would be sharing with you. Activity number 1, take a newspaper and apply scanning to it. आप कोई newspaper ले लीजिए और उसमें scanning को इस तरह से आप apply कर सकते हैं। मसलन सिर्फ headline देख सकते हैं, आप showbiz की news देख सकते हैं, आप sports में किसी match का score या किसी खिलाड़ी की कारकर्दगी देख सकते हैं। So this can be one of the activities to apply scanning. Activity number 2, take a drama text and apply scanning. Yes, you can take a drama text. आप किसी सीन को ले सकते हैं, किसी मखसूस ओपनिंग को ले सकते हैं, किसी कंक्लूजन को ले सकते हैं, आप मेल डायलॉग्स को ले सकते हैं, आप फीमेल डायलॉग्स को ले सकते हैं और इस तरह से आप स्कैन करके बता सकते हैं कि इसमें ये कहा गया है। एक्टिविटी नंबर 3, टेक अ टेक्स्ट ग्रामर एंड अप्लाई स्कैनिंग। जी हाँ, आप कोई टेक्स्ट लेकर उस पर ग्रामर की एक्टिविटी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड नाउन्स, आप उस पेज में से, उस टेक्स्ट में से या पैराग्राफ में से सिर्फ नाउन देख सकते हैं, वर्ब्स देख सकते हैं, एडजेक्टिव्स देख सकते हैं और प्रोनाउंस देख सकते हैं। सो एक उनमें से चूज कर लीजिएगा, कोई भी ग्रामेटिकल यूनिट, और उसे उस पेज में से आप तलाश करेंगे। दिस वुड बी अ वेरी हेल्पफुल एक्टिविटी फॉर अप्लाइंग स्कैनिंग। रीडिंग रिसोर्स, यू कैन रीड माई स्मार्ट कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल बुक, पेज 158, एंड यू कैन हैव more details on that. Thank you very much for your hearing. I hope that this lecture would be useful to you. Thank you very much.